यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में बाढ़ पीड़ित परिवारों के रहने के लिए मेमन जमात खाना में व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई है। उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी इस सेवा को अंजाम दे रही है। सोसाइटी ने जरूरतमंदों से अपील की है कि वे यहाँ आकर इस सेवा का लाभ उठाए। 22 जुलाई शनिवार को दिग्रस शहर प्रलयकारी बाढ़ में जलमग्न हुआ। सैकड़ों परिवार एक ही झटके में रास्ते पर आ गए। उनका घर बार सब कुछ बाढ़ में बह गया। पालिका प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के पीड़ितों के रहने के लिए पालिका के हॉल, योगा भवनों सहित स्कूलों के दरवाजे तक खोले और तहसील प्रशासन के आपूर्ति विभाग ने भी उनके दो वक्त के खाने की जिम्मेदारी उठाई है। ऐसे में स्थानीय उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी ने भी इंसानियत के नाते आगे आते हुए शहर के मेमन जमात खाने में लोगों के रहने और सोने का पर्याप्त इंतजाम किया है। यहाँ कई बेसहारा परिवारों को सर छुपाने के लिए छत मिल गई है। यहाँ रह रहे बाढ़ से प्रभावित लोगों ने स्थानीय प्रशासन और उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी के इंतजाम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। इथे दोन्ही टाईम खाण्यापिण्या सगळे सोय चांगली आहे म्हणून आम्ही करा आले। पण हा आम्ही इथे सगळं काही आम्हाला चहा पाण्याकडून सुद्धा सगळी तुमची चांगली सोय होत आहे। उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष मिर्जा फिरोज बेग, उपाध्यक्ष अजीम अकबर चौहान, सचिव मिर्जा मस्तान बेग, सदस्य फैसल बेग मिर्जा और मोहम्मद आवेज यहाँ जी जान से लोगों के लिए हर मुमकिन व्यवस्था करने में जुटे हैं। उन्होंने NBCN न्यूज़ चैनल के जरिए शहर और परिसर के अन्य बाढ़ पीड़ितों को भी यहाँ आने और रहने का आह्वान किया है। मैं उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी का सचिव होने के नाते से ये बताना चाहूँगा कि आज जो संकट का जो दौर चल रहा है, यहाँ पे शनिचर के रोज से जो बाढ़ की जो चल रही है उसके लिए हमने यहाँ पे जमात खाने में सब लोगों को रहने का और सोने का इंतज़ाम किया हुआ है और यहाँ पे प्रशासक की ओर से खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। सभी तहसीलदार साहब की ओर से, सभी की ओर से खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे सोने के लिए इंतज़ाम भरपूर किया गया है। जो भी लोग आना चाहते हैं वो आना चाहे। स्थानीय प्रशासन और उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी की इस प्रशंसनीय पहल से कई मजबूर और बेसहारा लोगों को अस्थाई ही सही लेकिन सर छुपाने का ठिकाना मिल गया है। दिग्रस शहर में आई बाढ़ के कारण कई परिवारों का घर उजड़ चुका है, उनके आशियाने ढह चुके हैं। ऐसे में कई गरीब परिवारों के लोग जो बेसहारा हो चुके हैं, जिन्हें सर छुपाने के लिए छत तक नहीं मिल रही है, वे लोग आज यहाँ मेमन जमात खाने में रह रहे हैं। उनकी देखभाल एक तरह से यहाँ जो उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी है वो कर रही है, साथ ही स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर इन लोगों के खाने का इंतजाम कर रहा है। दिग्रस शहर में वैसे तो जो लोग बेसहारा है, बाढ़ में जिनका सब कुछ लूट चुका है, उनके लिए कई स्वयंसेवी गुट आगे आ रहे हैं और अन्नदान कर रहे हैं। कई लोग जरूरत का सामान उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में उन्नति मल्टीपर्पज सोसाइटी ने भी सामने आकर बेसहारों का सहारा बनने की जो पहल की है, वाकई काबिले तारीफ है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।